यस दोस नंबर डू मैटर्स जब भी आप लाइक करते हो कमेंट करते हो या सब्सक्राइब करते हो वो एक चैनल के क्रिएटर के लिए एक बूस्ट का काम करती है मोटिवेशन का काम करती है सो so, अगर आपको कभी भी इस पर्टिकुलर चैनल से कोई भी हेल्प आपके ट्रेडिंग जर्नी में मिली हो यूजफुल रहा हो कुछ नॉलेज गेन किया हो तो आप अपनी तरफ से इतना कर ही सकते हो कि इस पर्टिकुलर चैनल को लाइक कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो सो आई होप अभी तक आपने नहीं किया होगा तो आप जरूर लाइक का और सब्सक्राइब का बटन दबा दोगे सो लेट्स गेट बैक टू द द एनालिसिस एज वी हैव अर्लियर इन लास्ट वीडियो कि हम एक ट्रेंडिंग सेंसेक्स की एक्सपायरी देख सकते हैं एंड वी हैव सीन अ ब्यूटीफुल ट्रेंडिंग एक्सपायरी ऑन फ्राइडे ऑफ सेंसेक्स बहुत अच्छे से मार्केट एक तरफा गिरे है सारे जो की पॉइंट्स हमने डिस्कस करे थे उनको ब्रेक करके और आई होप कि आप सबने उस पर्टिकुलर ट्रेंडिंग डे का फायदा उठाया होगा बट नाउ वॉट नेक्स्ट क्या मंडे को गैप डाउन ओपनिंग होगी अगर होगी तो हम उसको कैसे हैंडल करेंगे वो सारे लेवल्स हम निकालते हैं सो लेट्स टाइप इन ऑल राइट सो विल स्टार्ट विद निफ्टी एज यूजल फर्स्ट समझते हैं कि उस दिन हुआ क्या है और दिस इज द लेवल ओके वी डिस्कस दिस लेवल कि ट्वेंटी uh, फोर के आसपास जो है अगर ये इसके नीचे ट्रेड करने लगता है तो वी कैन सी द मैसिव रैली फर्स्ट टारगेट यहां तक के बाइंग जोन के थे इवेंचुअली उस दिन वो बाइंग जोन तोड़ के भी नीचे आया था द पॉइंट इज उसने इतनी एक तरफा पावरफुल रैली इसलिए दी क्योंकि वो काफी देर से कंसोलिडेट कर रहा था जो उस दिन भी हमने डिस्कस करा था कि बहुत नैरो रेंज में अब वो काम कर रहा है और एक अच्छा खासा एक ट्रेंडिंग मेगा मूव हमको मिल सकता है सो नेक्स्ट सी उसका हम थोड़ा सा आज वीकली से हम स्टार्ट करते हैं सी दिस इज द वीकली चार्ट ऑफ निफ्टी एंड वीकली में हमको क्लियरली ये दिख रहा है की यहाँ पे एक सपोर्ट है अगर इसको मैं माफ करूँ सो इवेंचुअली उसके एक्चुअली टारगेट जो है वो ट्वेंटी के इसी टारगेट के बारे में हमने uh, थर्सडे को भी बात करी थी कि नाउ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर ट्वेंटी फोर थाउजेंड एंड ट्वेंटी थ्री नाइन हंड्रेड तक के टारगेट यहाँ तक हमारे टारगेट ओपन हो चुके हैं तो लेट्स कम बैक टू डेली अगेन डेली में भी सेम वही स्विंग पॉइंट बना है ये जो स्विंग पॉइंट है है वो अराउंड का बना है। हम सारे सीनारियों की बात करते हैं सबसे पहले तो एक गैप डाउन ओपनिंग जिसका एक चांस लग रहा है कि एक मेगा गैप डाउन हो सकती है अगर होती है तो क्या सो लेट्स गेट बैक टू फिफ्टीन मिनट टाइम फ्रेम हम लेवल एडजस्ट करते हैं सो so अगर गैप डाउन ओपनिंग हमको उस फ्राइडे के लो के नीचे मिलती है विच इज अराउंड ट्वेंटी उसके लो के नीचे मिलती है तो एक चांस है कि वो इस पर्टिकुलर जोन तक आए बट यहां पे हमको कॉशियस रहना है बिकॉज जस्ट वी हैव सीन कि वहां पे एक वीकली का भी स्विंग uh, पॉइंट है डेली में स्विंग पॉइंट है तो ये जो बाइंग जोन है अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हो सकता है यहां से एकदम से यू टर्न देखने को मिल जाए ओके okay? बहुत आ, बहुत ज्यादा चांसेस है इसके इन केस ऑफ फ्लैट ओपनिंग फ्लैट ओपनिंग मतलब ये जो स्विंग पॉइंट उसने जाते जाते बनाया विच इज ट्वेंटी फोर टू टेन एंड दिस पर्टिकुलर लो विच इज ट्वेंटी फोर जीरो सेवेंटी इसके बीच में कहीं होती है फ्लैट ओपनिंग होती है देन अगेन द सेम थिंग कि हम देखेंगे कि क्या वो फिर से इसको ब्रीच कर रहा है क्या या यहाँ से हमको फिर से कोई शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है क्या क्योंकि जो स्ट्रक्चर अभी निफ्टी का है वो बिल्कुल अभी राइज ऑन सेल वाला स्ट्रक्चर है सो so, वो राइज के पॉइंट्स कौन से कौन से हो सकते हैं एक तो वो ट्वेंटी फोर टू टेन हो सकता है एंड इन केस ऑफ गैप अप ओपनिंग अगर गैप अप ओपनिंग होती है देन दिस कुड बी ट्वेंटी फोर थ्री थर्टी नाइन ये वाला जिसको बहुत स्ट्रॉग कैंडल से ब्रीच करके निफ्टी ने एक अच्छी खासी रैली फ्राइडे को दी थी सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां पे हमको फिर से एक नए फ्रेश शॉट हम इनिशिएट कर सकते हैं बट दिस इज द लेवल जहां पे 24940 फोर्टी यहां से हमको बहुत कॉशियस हो जाना है और यहां से हम एक अच्छा खासा बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसका थ्री मिनट का टाइम फ्रेम देखते हैं तो ये ये जो है ये उस दिन का काम था हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें थ्री मिनट के टाइम फ्रेम को और दिस इज थ्री मिनट टाइम फ्रेम थ्री मिनट टाइम फ्रेम पे ये जो है फर्स्ट हमने ये लो मार्क किया था उस दिन का निफ्टी का फ्यूचर का थर्सडे का लो मार्क किया था विच वॉज अराउंड ट्वेंटी फोर थ्री के आसपास फर्स्ट कैंडल अगर आप देखते तो एक बाउंस तो उसने लिया था पर कोई भी फॉलो अप कैंडल नहीं था तो जो ये लो है 24387 इस कैंडल ने ब्रीच किया था था बेसिकली उसने रेजिस्टेंस कहा लिया दिस वाज द स्विंग पॉइंट जो प्रीवियस स्विंग पॉइंट बना था इसी के आसपास उसने रेजिस्टेंस लेके फिर ये वाला कैंडल जो है ब्रीच किया था और उसके बाद एक तरफा निफ्टी टूटता गया बहुत प्यारा टूटा एक यहाँ पे हॉल्ट लिया था निफ्टी ने और फिर वहां पे एक एच डी अपॉर्चुनिटी दी एच डी अपॉर्चुनिटी जो आर एस आई एटी के आसपास गई थी और फिर यहाँ से एक सेकेंड राउंड ऑफ सेलिंग निफ्टी ने दिखाई थी तो uh, मेरे ख्याल से सब लोगों ने ये वाला तो ट्रेंड डेफिनेटली कैच किया होगा अगर ये वाला ट्रेंड समझ में नहीं आया होगा इसमें तो और फिर जाते जाते जस्ट उसने एक रिट्रेसमेंट दिखाया वो रिट्रेसमेंट भी इसी लेवल के आसपास आ गया था जहाँ से उसने वो एच डी अपॉर्चुनिटी दी थी सो नाउ व्हाट नेक्स्ट तो अभी हमारे लिए ये वाला ये दो पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है सो विच इज़ अराउंड ट्वेंटी फोर टू थर्टी एंड ट्वेंटी फोर जीरो सिक्सटी फोर इसके बीच में वही है कि कंसोलिडेट होता रहेगा अगर गैप डाउन ओपनिंग होकर फिर से इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर वो ट्रेड करने लगा 24064 के ऊपर गैप डाउन ओपन होने के बावजूद ट्रेड करने लगा तो इवेंचुअली फिर से 24230 तक के टारगेट्स आप देख सकते हो आते हुए गैप uh, डाउन होने के बाद अभी इस पर्टिकुलर उसमें इसका डेटा नहीं तो नीचे के इसके लेवल्स तो हम नहीं निकाल पाएंगे वो तो फिफ्टीन मिनट का जहाँ पे मैंने बताया है कि एक बाइंग जोन है वहां पे जैसे ही आता है एक बारी आप ऑलरेडी शॉर्ट हो या ओवरनाइट uh, शॉट हो तो वो एक एरिया है जहां पे आप अपने short book कर सकते हो लेवल ट्वेंटी अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए शॉर्ट की so, in level के आसपास कोई भी प्राइज एक्शन कंफर्मेशन का वेट करो जैसे ही मिलता है छोटे से एस एल के साथ एक शॉर्ट नए फ्रेश शॉर्ट इनिशिएट किए जा सकते सो दिस इज निफ्टी नाउ लेट्स सी बैंक निफ्टी सेम निफ्टी फर्स्ट कैंडल अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी की बिल्कुल ऊपर जाने की कोशिश करी इसी स्विंग पॉइंट के आसपास एक उसने रेजिस्टेंस लिया एंड आफ्टर दिस कैंडल ही एक समझ में आ गया कि बैंक निफ्टी में आप नीचे की तरफ रैली आ सकती है जिस हिसाब से उसने एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई फिर इसका लो भी ब्रीच हुआ और बिल्कुल बैंक निफ्टी टूटा और जो है नेक्स्ट हमारा बाइक जोन वहां तक वो इवेंचुअली आया और जाते जाते यहाँ से एक बाउंस जो एक्सपेक्टेड था वो बैंक निफ्टी ने दिया हुआ है लेट्स सी बैंक निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम सी वीकली टाइम फ्रेम में वैसे ही एक अच्छा खासा डाइवर्जन बना है बना था बैंक निफ्टी में ओके okay? और ये एक एरिया है जहाँ तक बैंक निफ्टी वॉट वी कैन एक्चुअली एक्सपेक्ट अराउंड फोर्टी नाइन सिक्स ट्वेंटी फाइव इवन अगर आप डेली पे भी देखोगे तो डेली पे भी फोर्टी नाइन सिक्स ट्वेंटी फाइव के आसपास जो uh, मतलब टारगेट्स आ रहे हैं सो फिफ्टीन मिनट के हिसाब से अगर हम लेवल्स पहले एडजस्ट करते हैं फिर देखते हैं सो इन केस ऑफ गैप डाउन 59808 के आसपास अगर आता है बैंक निफ्टी तो दिस इज द एरिया जहां पे एक बार ही शॉर्ट्स बुक कर लेने चाहिए वहां से यहां से एक जो है बाउंस एक्सपेक्टेड है इन केस ऑफ फ्लैट ओपनिंग फ्लैट ओपनिंग मतलब ये जाते जाते जो उसने स्विंग पॉइंट बनाया है और वो और इस पर्टिकुलर बाइक जोन के ऊपर सो अराउंड फिफ्टी एट फिफ्टी फोर एंड फिफ्टी थ्री एटी सिक्स के बीच में कहीं ओपन होता है देन वी नीड टू सी कि यू नो ये नीचे आके यूटर्न के, के चांसेस देता है यहाँ पे

यू नो इनिशिएट कर सकते हो अगर प्राइज एक्शन वहां पर मिलता है तो इसका ऑप्शन का और डेटा देखते हैं फिफ्टी वन फाइव हंड्रेड जो है अगेन एग्जैक्टली uh, exactly जो जस्ट हमने एक लेवल देखी है फिफ्टी वन फाइव हंड्रेड एक बहुत मैसिव फिलहाल के लिए रेजिस्टेंस है फिफ्टी वन थाउजेंड के आसपास ट्रैडल बने हुए हैं हो सकता है कि मार्केट छोटा सा एक रेंज में रहे और फिफ्टी फाइव हंड्रेड एंड फिफ्टी थाउजेंड पे बेस अच्छा है यहाँ पे जो है फिलहाल एक बेस बन रहा है मतलब अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो यहाँ से फिर से बाउंस आने के चांसेस ज्यादा जा, है गैप डाउन ओपनिंग में दिस इज द लेवल जहां से बाउंस आने के चांसेस बहुत ज्यादा है 50,000 का एरिया या 49,800 का एरिया यहाँ से बाउंस आने के चांसेस ज्यादा है सो so, अगेन कोई भी ओवरनाइट पोजीशन हो आपके पास तो दिस इज द लेवल जहां से आप एक बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हो एंड ऑफकोर्स दिस इज द एरिया जहां पे नए शॉर्ट्स आप फिर से इनिशिएट कर सकते हो थ्री मिनट का इसका चार्ट देखते हैं ओके okay, ये जो एक स्विंग पॉइंट है ये इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था ये स्विंग पॉइंट के बारे में क्योंकि हमने एक बाइंग यहाँ से देखी थी अः uh, इनफैक्ट अगर आप उस दिन का भी काम देखोगे uh, इस पर्टिकुलर लेवल पे ओपनिंग हुई थी ओपनिंग के बाद नीचे तक आया था 51 वन uh, से के आसपास आया था बट एक छोटा सा बाउंस उसमें आया बट इवेंचुअली इस कैंडल ने उसका लो ब्रीच कर दिया और हमने अच्छा खासा एक फॉल आते हुए देखा है बैंक निफ्टी में अगेन इस पर्टिकुलर लेवल पे अगर मैं टाइम स्टैम तो अराउंड इलेवन ट्वेंटी फ़ोर यहाँ पर फिर से एक एच डी अपॉर्चुनिटी दी थी उसने आर एस आई थ्री ट्वेंटी के ऊपर था और यहाँ से फिर से एक सेकेंड अपॉर्चुनिटी बैंक निफ्टी को शॉर्ट करने की दी उसने बहुत ही छोटे एस एल के साथ सो आई होप कि आपने ये सारी अपॉर्चुनिटी कैच करी होगी और जाते जाते उसने एक अच्छा खासा एक रैली दी है क्योंकि वो बाइंग जोन पे आया था 15 मिनट पे जहाँ से एक बाउंस एक्सपेक्टेड था और वो बहुत प्यारा बाउंस आया जाते जाते एक काइंड ऑफ डब्ल्यू बना के ये बाउंस आया ठीक है नाउ व्हाट नेक्स्ट सो यहाँ हमारे लिए अभी जो स्विंग पॉइंट जो एक इम्पोर्टेंट है वो ये है ये लेवल है अराउंड फिफ्टी का लेवल है ओके okay? सो so, इसके नीचे अगर मार्केट ओपन होता है और ये जो लो है इसके ऊपर होता है तो बस आपको या तो यहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी पड़ेगी या तो यहाँ से शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखनी पड़ेगी नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस आ, आ सकता है वो इसी लेवल के आसपास से आ सकता है फिफ्टी वन टू सेवेंटी एट फिफ्टी नाइन एटी ये सारी लेवल्स है यहाँ से शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी और इस लेवल से बाइंग की अपॉर्चुनिटी इस हिसाब से आप देख सकते हो सो so, मोटा मोटा यही है कि इन केस ऑफ डाउन आपके प्रॉफिट्स बुक करो क्योंकि हम बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे मंडे को हम उस एक स्विंग पॉइंट के आसपास आ जाएंगे बैंक निफ्टी में भी इंपॉर्टेंट स्विंग पॉइंट के आसपास आ जाएंगे सो so हो सकता है एक शॉर्ट कवरिंग रैली आ जाए अगर गैप डाउन होता है तो बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो गैप जो है फिलअप करने की कोशिश की जा सकती है मंडे को इट सेल्स सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड अगर आपको ये एनालिसिस यूजफुल लगती है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक इट शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट सो गुड नाइट एंड हैव अ नाइस अडिंग सेशन है